जीप एक ऐसा ब्रांड है जो पहले से ही सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छा करते आए। चैनल पर जीप कंपस के अभी तक आप कई सारे एक्सीडेंट्स देख चुके हैं जहां गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इवन फोर्ड इको स्पोर्ट जैसी मजबूत गाड़ी के भी जीप कंपस बुरे हाल कर चुका है। आज जीप की ही एक और प्रॉपर ऑफ रोडर यानी जीप रैंगलर रूबीकॉन का आप पहला एक्सीडेंट देखेंगे, जहां इस कार ने एक बार फिर से सबको सेफ रखा। ये पिक्चर्स में अफरोज ने एक फेसबुक ग्रुप पर शेयर करी थी। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। एज पर डिटेल, यहां पैसेंजर गोवा से दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे और एक शार्प टर्न पर गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो गई और मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद पलट गई। गाड़ी के एयर बैग्स यहाँ खुल गए और सभी पैसेंजर यहाँ सेफ थे। पैसेंजर्स को यहाँ कुछ माइनर स्क्रैचेस ही आए थे, जो गाड़ी का केबिन भी दिखाता है। गाड़ी का केबिन यहाँ पूरी तरह इंटैक्ट देखा जा सकता है। बाकी फ्रंट से भी यहाँ कोई मेजर डैमेजेस नहीं है, बावजूद इस बात के कि इंपैक्ट काफ़ी तगड़ा था जिसने एयरबैग सेंसर को ट्रिगर कर दिया, पर डैमेजेस यहाँ बहुत ही मिनिमल है सामने से। जीप रूबीकॉन 60 लाख एक्स शोरूम तक आने वाली एक कार है। थार से इसका डिज़ाइन काफ़ी मिलता जुलता है। जीप ने महिंद्रा पर एक केस भी किया हुआ है जहाँ ये आरोप लगाया गया है कि थार की डिज़ाइन रैंगलर से चोरी किया गया है। बाकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी अपनी देसी रैंगलर थार ने अच्छा परफॉर्म किया है, पर जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है, जो इस एक्सीडेंट से भी साफ है। बाकी जीप ने फिर से एक बार ये प्रूव किया कि क्यों US में भी ये ब्रांड वन ऑफ द बेस्ट सेलर है। आप क्या क्या सोचते हैं इस एक्सीडेंट के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ।